दोस्तों नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस स्टडी गुरु जी में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर, आपकी MPHW भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर और आपकी स्टाफ नर्स भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर। तो आज की क्या कुछ अपडेट है, जो साथी गए हुए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, अभी तक आपकी ज्वाइनिंग का कोई प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ा है, ना ही कोई ज्वाइनिंग का लेटर जारी हुआ है। जो साथी वहाँ पर गए हुए हैं, तो देखिए कल जो साथी वहाँ पर गए हुए थे वो जो रुके हुए थे, तो उनको डॉक्टर वीना मैम ने कहा था कि आपकी ज्वाइनिंग हम जल्दी करवा देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था और लगभग कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर हम लिस्ट जारी कर देंगे, यानी कि 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 48 घंटे का टाइम दिया था, 48 घंटे आपके हो चुके हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कैंडिडेट इंतज़ार कर करके पागल हो चुके हैं, ठीक है। और आज की क्या कुछ अपडेट आ रही है, तो अभी वहाँ से अपडेट मिल रही है कि यहाँ पर बार बार में आश्वासन दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी या फिर 4-5 दिन के अंदर हो जाएगी, ऐसी अपडेट मिल रही है, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आज आपकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज आपकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बाकी भाई कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है तो आज जारी कर दे या फिर वेट करते हैं भाई कब तक जारी करेंगे। अभी की वीडियो में तो यही अपडेट है कि आज शाम तक बोल रहे हैं कि जो किसी ना किसी भर्ती की ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट जारी कर देंगे या फिर 4-5 दिन के अंदर हम अंदर ज्वाइनिंग है वो करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं भाई आप सभी को बता देता हूँ कि सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है, प्रेशर आप बनाए रखें। 8 तारीख को रोहतक के अंदर जो अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आ रहे हैं, तो जितने भी साथी रोहतक की साइड के हैं, तो भाई अपनी मांग को लेकर, अपने विज्ञापन को लेकर पहुँच जाओ सभी साथी, और एक बार फिर से अनिल विज को अपना ज्ञापन सौंपो, ताकि एक बार फिर से और दबाव बन सके, ठीक है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपनी ज्वाइनिंग के लिए जो भी नोटिस डालो आप, ठीक है, ताकि ज्वाइनिंग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके और आपकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो सके। और 11 तारीख को भी आपको याद रहे, 11 तारीख को भी आप सभी पंचकूला जरूर पहुँचो ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो भाई यही एक अपडेट थी आपके साथ में शेयर करनी थी, जो आपकी ज्वाइनिंग को लेकर आपको आगे क्या कुछ करना है। अगर आज ज्वाइनिंग नहीं होती है तो भाई आप तैयार रहो 8 तारीख को रोहतक के अंदर, और फिर 11 तारीख को आप पंचकूला जरूर पहुंचो सभी साथी इकट्ठे होकर। एकता में बल होता है भाई, अगर एक आप इकट्ठे होकर जाओगे तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में यही अपडेट थी, हम आपके साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। तो आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, तो टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी आपकी भर्ती की अगर ज्वाइनिंग की लिस्ट आ जाती है या कोई भी PDF आते तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय जय भारत।